हाय गाइस, मैं हुसैन उलक और आज हम बनाने वाले एक टेलीस्कोप जिसके लिए हम 75 mm डायमीटर की लेंस इस्तेमाल करेंगे जिसकी फोकल लेंथ है 500 mm। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या पार्ट्स की ज़रूरत होती है। तो हम जो पार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं उसे हमने अमेजन से ख़रीदा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस बॉक्स में जो सामान है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 90 डिग्री मिरर है, इसका इस्तेमाल 90 डिग्री एंगल पे लाइट वेव लाइट को मोड़ने के लिए किया जाता है। और साथ में हमें ज़रूरत पड़ती है एक फोकसर की। तो ये फोकसर है एक्चुअल में, जो ये मशीन है ये आई पीस को आगे या पीछे करती है, जिसे अलग अलग फोकल पॉइंट पे जो हमें इमेज मिलती है वो हम कैप्चर करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इस टेलीस्कोप का जो पार्ट है वो है हमारा लेंस। तो इस बॉक्स के अंदर 75 mm की लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 500 mm है। तो इस लेंस की खासियत ये है कि इसमें किसी भी तरह का क्रोमेटिक एब्रेशन मौजूद नहीं होता, इसकी जो इमेज बनती है वो बिल्कुल क्लियर बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लेंस के लिए कितना सारा बबल रैपिंग का इस्तेमाल किया गया ताकि ये बिल्कुल भी टूटे ना। तो आप देख सकते हैं हमारी 75 mm की लेंस जो कि बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी दाग नहीं है और जिसकी फोकल लेंथ 500 mm है। आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे हमारी टेलीस्कोप बनाने के लिए। तो मैं पहले इसे साइड रख देता हूँ ताकि ये टूटे ना। और इसके साथ हम कुछ लंबलिंग के पाइप रिड्यूसर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लेंस होल्डर के लिए इस रिड्यूसर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिड्यूसर 90 mm और 75 mm का है, मतलब इसका जो इस तरफ का एरिया है 90 mm इसका डायमीटर है और इधर का 75 mm डायमीटर है। तो जो हमारी लेंस है इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ उभार सा है जिसमें लेंस बिल्कुल फिट बैठ जाती है। तो आप भी अगर एक DIY टेलीस्कोप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके के डिफ्यूज़र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं लेंस होल्डर के लिए। और इसके साथ हम जो पाइप इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 mm का ये पाइप है जिसकी लेंथ 600 mm है, हमने 100 mm एक्स्ट्रा ले लिया है। यहाँ पे 500 इसकी लेंथ है लेकिन हमने यहाँ पे कुछ अंदर जाके यहाँ पे तो इसकी लेंथ और ज़्यादा कम करी है क्योंकि जो हमारा फोकसर है ये भी कुछ लंबाई लेने वाला है, जिसके कारण हमें इसकी जो फोकल लेंथ है वो इस फोकसर के बिल्कुल बीच में आनी चाहिए ताकि हम इस फोकसर को आगे भी कर सकें फोकल लेंथ के और फोकल लेंथ के पीछे भी कर सकें। तो हम इसे इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम इसे दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकें। अगर हम इसकी फोकल लेंथ को और ज़्यादा लंबा कर दें तो उससे हम पास की चीज़ों को देख पाएंगे लेकिन जो दूर की चीज़ें उन्हें देखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके लिए जो हमारा फोकसर है ये आईपीस को सामने ले जाता है जिससे जो दूर की चीज़ें वो दिखती है। इसके लिए हमने ये किया है कि थोड़ा फोकस जो हमारा बनने वाला है फोकल लेंथ से आगे ही बनने वाला है क्योंकि हम दूर की चीज़ देखने वाले हैं, इसलिए हमने 500 से भी कम काटा है। तो यहाँ पे इस पाइप को हम काट लेंगे, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे एक और डिफ्यूज़र। इस डिफ्यूज़र का इस्तेमाल हम करेंगे इस फोकसर को लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो डिफ्यूज़र है ये 75 से 50 mm का है, जो हमारा फोकसर है ये 50 mm पाइप के लिए बना हुआ है, इसलिए हमने सीधा ही 75 से 50 mm का रिड्यूसर इस्तेमाल कर लिया है ताकि इसे आसानी से हम फिट कर सकें। और हमने चार्ट पेपर भी ख़रीदा है। एक्चुअल में इसका इस्तेमाल हम इस पाइप के अंदर करने वाले क्योंकि जो हमारा टेलीस्कोप है उसमें किसी भी तरह का लाइट अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर इस तरीके से लाइट अगर अंदर जाती है वो रिफ्लेक्ट होके फिर से आईपीस में जाती है तो उससे जो पिक्चर क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए किसी भी तरीके की जो लाइट है उसे रोकने के लिए हम इस तरह के ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करने वाले जिसमें रिफ्लेक्शन कम से कम होता है।
पेंट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए कि अगर आप इसके अंदर ब्लैक पेंट यूज़ करते हैं तो ब्लैक पेंट की जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती है। अगर एक एंगल से उसमें लाइट पड़ती है तो ब्लैक पेंट मिरर की तरह लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण उसे ब्लैक कलर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता इस तरीके के पाइप को। इसलिए हम यहाँ पे चार्ट पेपर का इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉइल भी है, तो फॉइल का इस्तेमाल हम इस पाइप के ऊपर करने वाले। जब अगर हम इस पाइप को ब्लैक कलर कर दें तो ये जल्दी गर्म होगा। अगर हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल सन की प्रेजेंट में करते हैं तो उससे जो हमारा टेलीस्कोप है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इसके अंदर की जो मॉइस्चर है वो वेपर बन के लेंस में बैठ जाती है, जिससे लेंस में एक धुंधलापन आ जाता है, जिससे पूरी इमेज क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। फिर जब वो पानी ठंडा होता है तो वो लेंस में दाग छोड़ देता है, जिससे जो लेंस की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। फिर से लेंस को बार बार साफ़ करना पड़ता है। इसलिए हम इस पाइप को बाहर से रिफ्लेक्टिव एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे, ताकि जो भी सन लाइट है इसमें पड़े वो रिफ्लेक्ट हो जाए और जो हमारा ये ट्यूब है ये कम से कम गर्म हो। तो सबसे पहले इस पाइप को हम यहाँ से काट लेंगे। अब देख सकते हैं कि हमने इस पाइप को 39 सेंटीमीटर की लेंथ में काट दिया है, जबकि इसकी फोकल लेंथ 500 मिलीमीटर है इस लेंस की। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे डिफ्यूज़र से कवर होने वाली है, साथ में जो फोकसर है वो भी आगे पीछे होगा, इसलिए हमने इतना जो डिस्टेंस है वो फोकसर और डिफ्यूज़र के लिए छोड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पाइप है इसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगा। और इस दोनों पाइप और डिफ्यूज़र के जो बीच में गैप बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी लेंस सेट होगी जो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएंगी इस कोर के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिफ्यूज़र है 75 mm से 50 mm, और जो हमारा फोकसर है उसका डायमीटर भी 50 mm है, लेकिन हम इसे इस तरीके से जोड़ नहीं सकते। इसके अंदर हमें पाइप डालना पड़ेगा इन दोनों को इस तरीके से जोड़ने के लिए। तो हम इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जहाँ ये पाइप सेट होता है उन दोनों के बराबर की लंबाई में पाइप को काट देंगे और इन दोनों के बीच में डाल देंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से एक लाइन में आके जुड़ जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोकसर है वो इस डिफ्यूज़र से बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। और यहाँ पर हम थोड़ा सुपर ग्लू डाल देंगे ताकि ये इस तरीके से बाहर ना आ जाए। जो सबसे सेंसिटिव चीज़ है इस टेलीस्कोप की वो ये लेंस है। इस लेंस में थोड़ा सा भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, और इस लेंस को तो भूल के भी आप बिल्कुल थोड़ी सी भी हाइट से गिरा नहीं सकते, क्योंकि इसके में जो दो कांच की लेयर है अलग हो जाती है और उसके कॉर्नर से वो बिल्कुल टूट जाते हैं। जो हमारा लेंस है उसका डायमीटर थोड़ा छोटा है इस पाइप से, तो हम इसे इस तरीके से डाल नहीं सकते। तो इसे हमें थोड़ा कुशन देना पड़ेगा आजू बाजू से, ताकि ये इस सॉलिड पाइप से सॉलिड कांच टकरा के टूटे ना। इसलिए हम इसे पेपर टेप या मास्किंग टेप से दो तीन लेयर इसमें बना के थोड़ा इसी डायमीटर को बढ़ा देंगे, ताकि यहाँ पे अच्छी तरीके से स्मूथली फिट हो जाए। इस पाइप का जो सर्कमफेरेंस है वो 235.7 है, तो उसी लेंथ में हम इस पाइप को काट लेंगे और उसका एक घेरा बना के इस पाइप के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। तो अच्छी तरीके से जो पेपर है वो जो अंदर ही इसके अंदर जो बॉर्डर है पाइप की उसमें बैठ जाएगा अच्छी तरीके से, और एक रिफ्लेक्टिव जो लेयर रहती है आप देख सकते हैं इस तरीके का जो पाइप है बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव रहता है अंदर से, तो वो रिफ्लेक्शन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस पाइप इस चार्ट पेपर का इस्तेमाल करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पाइप है उसमें बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं है, तो इस तरीके का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पेपर को अपनी जगह में रखने के लिए आप सुपर ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये घूम के बिखरे ना, इसलिए आप यहाँ पे फेविक्विक इस्तेमाल कर सकते हैं इसे अपनी जगह में रखने के लिए।
हम इस मास्किंग टेप का इस्तेमाल करेंगे लेंस के आजू बाजू, ताकि उसका जो डायामीटर है थोड़ा बढ़ जाए और जो हमारा लेंस है वो स्मूथली इसके अंदर बैठ जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेप है उसकी चौड़ाई इस लेंस से डबल है, तो मैं इसे टेप को बीच से बिल्कुल काट लूँगा, तो मुझे दो लेयर चढ़ाने के लिए इसके ऊपर टेप मिल जाएगा। उसी तरीके से मैं इसे करूँगा, तो ऐसे करने पे जो हमारा लेंस है उस थोड़ा उसका डाया बढ़ जाएगा और वो थोड़ा कुशन भी काम करेगा। टेप है जो कुशन का काम करेगा इस सॉलिड प्लास्टिक और इस सॉलिड लेंस के बीच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेंस है बिल्कुल परफेक्ट इस पाइप के डिफ्यूज़र के अंदर जा सकता है। इस तरीके से लगाने पे जो हमारा लेंस है वो बिल्कुल ही लेगा नहीं और जिसकी इमेज है वो बिल्कुल सही आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी लेंस है वो बिल्कुल अपनी जगह में बैठ गई है। अब हमें इसे इस पाइप को इस तरीके से प्रेस करना है, इसे बहुत ज़्यादा फोर्स से अंदर नहीं डालना है, नहीं तो वो लेंस को डैमेज कर सकता है। बिल्कुल जो पाइप है, लेंस है और ये डिफ्यूज़र है, ये तीनों का सैंडविच बनना चाहिए और जो लेंस है उसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, किसी एंगल पे टिल्ट नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में जो फोकस है हमारा वो पाइप के कॉर्नर्स में बनेगा, फोकस को बिल्कुल पाइप के बीचों बीच बनना चाहिए ताकि जो हमारा आई पीस है वो अच्छी तरीके से काम कर ले। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेलीस्कोप है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और जो हमारा फोकसर है वो बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे लग चुका है। जो ओवरऑल लंबाई हमारी टेलीस्कोप की वो थोड़ी कम है, क्योंकि जो फोकसर है उसने बहुत सारी लेंथ ले ली है। जो फोकस हमारा जो बनता है वो अब इस मिरर में बनता है, इसलिए हम इसे आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, इसे दूर की भी चीज़ देख सकते हैं और पास की भी चीज़ देख सकते हैं। अब हम इसे सिल्वर फॉइल से कवर कर लेंगे ताकि जो टेलीस्कोप है हमारा ये गर्म ना हो। साथ में हम यहाँ पे एक ब्लैक कवर बनाएंगे चार्ट पेपर से, ताकि जो अनवांटेड लाइट है इस डायरेक्शन में आके लेंस से टकरा के अंदर ना जाए, इसलिए इसे बिल्कुल थोड़ा आगे तक निकला होना चाहिए। उसके लिए हम चार्ट पेपर का इस्तेमाल करेंगे, एक रोल बना के इसे और आगे ले जाएंगे, लगभग इतना आगे और निकालेंगे, उससे अनवांटेड लाइट हमारे टेलीस्कोप तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा टेलीस्कोप है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं जो कि सुपर क्लियर है। और इसकी लेंथ थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ में हमने 90 डिग्री का जो मिरर है वो लगाया हुआ है और जो हमारा फोकसर है उसने भी बहुत सारी डिस्टेंस ली है लेंस से, इसी कारण जो हमारा टेलीस्कोप है इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो काफ़ी कम हो गई है। लेकिन आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेलीस्कोप है फाइनली पूरा हो गया है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। आप इसकी लेंस देख सकते हैं जो बिल्कुल क्लियर है और मैंने यहाँ पे 25 mm की आईपीस लगाई है। तो हम इसे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस लेंगे और हम देखेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है। आप मोबाइल स्टैंड भी ख़रीद सकते हैं इस टाइप का, जो इस आईपीस में बिल्कुल फिट बैठ जाता है। इसे आप अपना जो कैमरा है उसे जगह पे लगा सकते हैं और जो डायरेक्ट वीडियोज़ इमेज है आपके कैमरे में दिखेंगे।